रियासत में लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मंगल यानी 4 जून की सुबह 8 बजे से रियासत की 17 लोकसभा सीटों के वोटों की गिनती का आगाज़ होगा। 17 हलकों में अहम सियासी जमातों कांग्रेस BRS BJP और मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के बशमूल 525 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जिनकी किस्मत का मंगल को फैसला होगा। इन उम्मीदवारों में काबिले जिक्र सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, जीवन रेड्डी और दीगर शामिल हैं। 31 मई को हुए लोकसभा इंतखाबात की रायदेही में 2,20,24,906 वोटर्स ने अपने वोट के हक़ से इस्तेफादा किया था। वोटों की गिनती के लिए 17 पार्लिमानी हलकों में गिनती के 1,855 मराकज़ कायम किए गए हैं। 120 हाउस में 18 मेज़ों पर वोटों की गिनती की जाएगी। 2,18,000 पोस्टल बैलेट की वोटों की गिनती के लिए 19 हाउस में 276 मेज़ों को तैयार किया गया है। शाम 4 बजे तक वोटों की गिनती मुकम्मल होने की तवक्को की जा रही है। असेंबली हलके याकूतपुरा, चुप्पदंडी और देवरकुंडा में 21 राउंड तक वोटों की गिनती होगी। आरमूर, भद्राचलम, अशवाराव पेट असेंबली हलकों में 13 राउंड में वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के लिए 10,000 अफराद के अमले की खिदमात हासिल की जा रही है।